बुंदेलखंड में आज भी छुआछूत का जहर ग्रामीण अंचल में फैला हुआ है, जिसके चलते एक बार फिर एक दलित को दबंगों के कहर का शिकार होना पड़ा। मामला छतरपुर जिले के गौरीहार थाना क्षेत्र के किशुनपुर गांव का है, जहां पर देवराज अनुरागी नाम के युवक को गांव के ही ऊंची जाति के लोगों ने इतना पीटा कि उसकी मौत हो गई। मृतक देवराज अनुरागी का कसूर महज इतना था कि उसने ऊंची जाति के लोगों के खाने को छू लिया था, जो ऊंची जाति के लोगों को नागवार गुजरा और उन्होंने युवक की लाठियों से बुरी तरह पिटाई कर दी और उसके बाद मरणासन्न हालत में उसके घर छोड़ गए, जिसके कुछ देर बाद देवराज ने दम तोड़ दिया। इस घटना पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर गहन शोक व्यक्त किया है। वे पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता के साथ ही आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। ये 7 तारीख के शाम की घटना है, किशनपुरा गांव है गौरीहार में। तो एक देवराज अनुरागी, मानसिक रूप से थोड़ा विक्षिप्त उनको बताया गया है, तो उनके घर पे दो लोग आए, एक सोनी और एक पाल, उसी के गांव के हैं, और उन्होंने उसको शाम में खेत पर खाना पीना करने के लिए बुलाया और 2 घंटे बाद वापस घर पे छोड़ दिया। घर पे उसने, अनुरागी ने बताया कि उसके साथ मारपीट की गई, क्योंकि उसने उनका खाना टच किया था और मारपीट की गई है। उसके बॉडी पे, पीठ पे डंडे से मार के निशान भी थे। टीम सब लोग लगा के रखे, उनके परिजनों के जो भी आवास हैं, जहाँ पे उनके छुपने की जगह है, वहाँ पे हम लोग अपनी टीम्स भेज चुके हैं और लगातार हम लोग सेपरेट टीम्स बनाकर अलग अलग जगहों पर दबिश दे रहे हैं। क्या माना जा रहा सर कि ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं ना कहीं आज भी सर ऐसी छुआछूत वगैरह की प्रथा? ये कहना अभी बहुत जल्दी होगा, क्योंकि ऐसा उनके परिजनों ने बताया है कि मृतक ने वैसा सूचना दी थी, पर अभी ये कंफर्म नहीं है। जैसा विवेचना में आएगा उसके अनुसार हम लोग करते हैं। ये 7 तारीख के शाम की घटना है।